फ्रेंड्स, पिछले 2 दिनों से लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोग कुछ ईश्वर, प्रकृति, धर्म ग्रंथ इन सब के बारे में बातें कर रहे हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि हो सकता है कि ये बातें थोड़ी सी आपको दुरूह लग रही हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी महसूस हो रहा होगा कि नहीं, बात एकदम गलत तो नहीं कही जा रही है। इस पर हम सबको थोड़ा सोचना चाहिए, और सच पूछिए तो जैसे ही हम सोचने की शुरुआत करते हैं, पाते हैं कि कुछ नई चीजें हमारे अंदर आती चली जा रही हैं, हमसे जुड़ती चली जा रही हैं, और जब नई बातें जुड़ती हैं तभी सच पूछिए तो हमारा विकास भी होता है, हमारा विस्तार भी होता है। आज भी मैं इसी सिलसिले में एक बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, और जो मैं बात रख रहा हूं वह है वाल्टेयर का एक कथन। वाल्टेयर का नाम आपने सुना होगा, खासकर रूसो, वाल्टेयर, ये जो दार्शनिक हुए हैं फ्रांस के। माना जाता है कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके पीछे इन दार्शनिकों के विचारों का बहुत बड़ा हाथ था। वाल्टेयर 1694 में इनका पेरिस में जन्म हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और 1778 में इनका निधन हुआ पेरिस में ही। उस समय इतनी लंबी उम्र बहुत कम लोगों को मिला करती थी, और वाल्टेयर उसमें से हैं जिन्हें लंबी उम्र मिली। तो दोस्तों, वाल्टेयर ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उनके इस कथन में आपको एक जबरदस्त किस्म का विरोधाभास दिखाई देगा, कंट्राडिक्शन दिखाई देगा। देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि यह सही है कि ईश्वर नहीं है। देखिए कह रहे, यह सही है कि ईश्वर नहीं है। वाल्टेयर निरीश्वरवादी थे, वो ईश्वर को उस तरीके से नहीं मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने समय में जो कैथोलिक चर्च था उसको बहुत ज्यादा उसका विरोध भी किया। यह सही है कि ईश्वर नहीं है, लेकिन यह बात मेरे नौकर से मत कहना, नहीं तो वह मेरी हत्या कर देगा। देखिए कितनी खूबसूरत बात कही है ना। है बहुत सरल, समझ में भी आ गया, लेकिन जब आप इस पर विचार करेंगे तब फिर सही में इसका भावार्थ समझ में आएगा। वाक्य तो समझ में आ गया, कहना क्या चाह रहे हैं वो भी समझ में आ गया, लेकिन उसका सार क्या है, इसके पीछे क्या दर्शन छिपा हुआ है, वह समझ में नहीं आएगा। वो तो तभी समझ में आएगा जब आप इत्मीनान के साथ इस पर विचार करेंगे। सच पूछिए तो जैसे ही मुझे यह वाक्य पढ़ने को मिला, मैं बिल्कुल अंदर तक से हिल गया कि मैं क्या, कितने सरल वाक्य में सच में वाल्टेयर क्या कह रहे हैं। देखिए वो कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं होता है, मैं मानता हूं ईश्वर नहीं होता है, लेकिन यह बात मेरे नौकर को मत बताना। अगर नौकर को यह पता लग गया कि ईश्वर नहीं होता है तो मेरी हत्या कर देगा। हत्या जो बिल्कुल अंतिम अपराध हो सकता है, चोरी करना ठीक है, चोरी कर गए कोई बात नहीं, डांट दिया, मार दिया, पीट दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हत्या करना तो एकदम, आप समझ लीजिए कि बिल्कुल क्लाइमेक्स हो गया, अब उससे ज्यादा अपराध बड़ा और क्या हो सकता है, मुझे मार डालेगा। इसके पीछे वाल्टेयर कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए वो सच ये है कि वो ईश्वर की उपयोगिता बता रहे हैं। इसके माध्यम से वो ये तो कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं होता है, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि ईश्वर का कोई उपयोग नहीं है, ईश्वर को भूल जाना चाहिए, ईश्वर को नहीं मानना चाहिए, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। उनके कहने का अर्थ यहां यह है कि हमारे समाज में जो व्यवस्था दिखाई दे रही है, उस व्यवस्था के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लोग ईश्वर को मानते हैं। और ईश्वर को मानते हैं इसका मतलब क्या हुआ, ईश्वर को मानते हैं इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे धार्मिक गुरु हुए हैं या हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उन्होंने बकायदे ईश्वर को आधार बनाकर स्वर्ग और नरक की रचना कर रखी है। जो अच्छे कर्म करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो बुरे कर्म करेगा उसे नरक मिलेगा, नरक में उसे यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, और स्वर्ग में जाकर के वह जीवन के सुख भोगेगा। कौन स्वर्ग जाएगा, जो अच्छे काम करेगा, और हत्या करना एक बुरा काम, यानी कि आप पाप कर्म कर रहे हैं। तो अब स्वर्ग है या नहीं है, नरक है या नहीं है, हम नहीं जानते। ईश्वर ने इस तरह के कोई लोक बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, हम नहीं जानते। और चलिए हम यही जानते हैं कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे काम के हैं, क्योंकि इस पर आस्था ही व्यक्ति को गलत काम करने से रोक रही है। हर व्यक्ति के मन में यह भय समाया हुआ है कि पाप से बचो, गलत काम करने से बचो। देखिए वैसे गलत काम करने से बचो,
आप यूं कह लीजिए कि प्रशासन का, सरकार का भय भी आपको इस तरह के काम करने से बचाता है। लेकिन वहां जो बात है वह अपराध की है। अपराध और पाप में फर्क होता है। अपराध तो यह है कि जुर्माना देकर के आप छूट जाएंगे, 3 साल जेल में रह गए, वापस आ गए, फिर से जिंदगी शुरू हो गई, 50,000 1,00,000 रुपए का जुर्माना लग गया, आपने जुर्माना भर दिया, आप अपराध से मुक्त हो गए, बाहर आ गए। लेकिन पाप से मुक्त होने का कोई उपाय ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके लिए भी अलग अलग उपाय अलग अलग धर्म ग्रंथों ने अपने अपने ढंग से कर रखे हैं, धार्मिक गुरुओं ने। लेकिन यहां जो पाप है, इनफैक्ट वह पाप हमारे भाव जगत में रच बस जाता है। और जब वो भाव जगत में रच बस जाता है तो आप मान करके चलिए कि वह हमें सहज रहने नहीं दे सकता। इसे ही कहा गया है अपराध बोध। हमारे अंदर एक बोध पैदा हो जाता है अपराध करने का कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत गलत किया है। और फिर उसे उबरना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये जो अपराध बोध है ये सीधे सीधे पाप के भय से जुड़ जाता है। वो सीधे सीधे आपको कहीं ना कहीं नरक की तस्वीर दिखाने लगता है कि अरे बाप रे, अगले जन्म में जाकर या यूं कह लीजिए कि मृत्यु के बाद मुझे ये सब भोगना पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से ईश्वर यहां समाज की व्यवस्था करने वाला एक संविधान बन जाता है। और मुझे लगता है कि ईश्वर इस रूप में सबसे अधिक कल्याणकारी, सबसे अधिक उपयोगी और सच पूछे तो सही मायनों में, इन्हीं अर्थों में वो हमारा पालनहार है। वो कह रहे हैं कि मेरी हत्या न कर दे, तो यानी कि ईश्वर आपकी रक्षा कर रहा है ना। आप माने या न माने, वो दिखाई दे या न दे, आपके दरवाजे पर वो बैठा हुआ है या नहीं हुआ है, इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो आपकी रक्षा कर रहा है ना, क्योंकि दूसरे को हत्या करने देने से वह रोक रहा है। तो कहीं ना कहीं वह हमारा पालनहार है, हमारा रक्षक भी है। तो दोस्तों, ईश्वर है या नहीं है वह ज्यादा मायने नहीं रखता। आपकी अगर आस्था है आप मानिए, आस्था नहीं है आप मत मानिए। लेकिन इस बात से इनकार करना बहुत मुश्किल है कि इस पूरे के पूरे हमारी सामाजिक व्यवस्था में या हमारे जीवन में, व्यापक रूप में ले लीजिए तो पूरी दुनिया में, उसका कोई रोल नहीं है। रोल है, और ये रोल आज का नहीं है, हजारों साल से मानवीय चेतना में ईश्वर अपनी भूमिका निभाता आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई भी बात, कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाव या आस्था अगर हमें सकारात्मक संदेश देती है, हमें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करती है, बुरे कार्यों से रोकती है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो क्यों नहीं हम उसे फिर स्वीकार ही कर लें, चाहे जिस रूप में भी स्वीकार करें। तो मित्रों, वाल्टेयर के इस कथन को मैं इसी रूप में देखता हूं। आप किस रूप में देखते हैं, आप अपने ढंग से इसकी व्याख्या कीजिए। और इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम से मुझे इजाजत दे दीजिए। नमस्कार।